गाइस ये निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का मैंने चार्ट लगा रखा है। बाई बनता है इसमें, ध्यान दीजिएगा आप अभी, ये इस लेवल के ऊपर ठीक है 15,126 के ऊपर, इसके ऊपर कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है तो आपको बाई करना है, या फिर ये जो ब्लू लाइन दिख रही है 20 EMA, इसके ऊपर कोई भी 15 मिनट की ग्रीन क्लोजिंग आ जाती है और उसके फॉलो कैंडल इस लाइन को तोड़ के निकलती है तो आप बाय करिए, और आपको सेल करना है इस लेवल के नीचे, इसके बीच में नहीं तो कुछ भी नहीं करना है, मार्केट जस्ट टाइम पास कर रहा है ये ठीक है। 1545 के लगभग आता है, कह रही है 1545 के लगभग है, 1545 के नीचे आपको सेल करना है और बाय करना है, ये 20 EMA के ऊपर निकल जाता है और इस लाइन को तोड़ के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको बाई करना है, फिर आपको मार्केट देगा 40-50 पॉइंट आराम से देगा। और फिर अगर आपको अगर सेल करना चाहते हो तो ये जो 10 एक और सेल सिग्नल मतलब मिल सकता है आपको, ये जो 10 EMA है ठीक है, इसके नीचे अगर कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है ठीक है तो आप सेल कर सकते हैं। ऐसा लगाना है इसी 10 EMA के ऊपर फिर से कोई कैंडल अगर 15 मिनट की क्लोज हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज ये रिस्की है क्योंकि वो एक नीचे लाके सीधा अगली कैंडल में ऊपर कर देता है। आप इसी लाइन को लेकर चलिए अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो, जो मैंने खींच के दी ठीक है। दैट्स ऑल गाइस, वीडियो पोस्ट करता हूँ।